किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में दिए गए इस सांकेतिक धरने के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक कांग्रेसी शहीद स्मारक पर बैठे रहे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने केंद्र व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है और चुनावों के समय इन उद्योगपतियों द्वारा किए गए एहसानों को उतारने के लिए देश के अन्नदाताओं के हितों को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के अन्नदाता पिछले करीब 2.5 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इन काले कृषि कानूनों को लागू करने में सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि इन काले कृषि कानूनों को एक ही दिन में दोनों सदनों में बिना किसी बहस के पास करवा दिया गया और उसी दिन इसे राष्ट्रपति की मोहर भी लगवा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये जल्दबाजी स्वयं अपनी कहानी बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत करना तक गवारा नहीं समझा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी हठधर्मिता को छोड़कर इन काले कानूनों को तुरंत वापस लेने की बात की है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ये दावा करती थी कि ये किसान विरोध कांग्रेस प्रायोजित है तथा इसमें केवल पंजाब के ही किसान भाग ले रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछना चाहा है कि यदि ये कांग्रेस प्रायोजित है तो उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसान इस आंदोलन में किस कारण कूदे हैं। एक आह्वान किया है, उस आह्वान के अंतर्गत जो है आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नौजवान साथी, हमारे वकील साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और किसान लोग जो है हमारे तकरीबन सारे लोग किसान परिवार से हैं, सब इकट्ठे होके आज चिंता जाहिर करने के लिए यहाँ पे शहीद स्मारक के सामने जो है वो इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने दिनों से पूरे हिंदुस्तान के किसान जो है वो दिल्ली के सीमाओं के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, ये जो 3 कानून बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बिल लेके आए, वो बिल जो है वो आनंद फानन में जल्दबाजी में जो है वो बिना डिस्कशन के वो पास कर दिए और बड़ी हैरानी की बात ये है। वहीं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कहा कि इन काले कानूनों के सहारे केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इसे किस कारण वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी देश के अन्नदाताओं ने देश की जीडीपी को 3% बरकरार रखने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसानों ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है और यदि केंद्र सरकार ने समय रहते इन काले कानूनों को वापस न लिया तो आने वाले समय में केंद्र सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। की वेदना को समझें, इसके लिए ये कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ कानून ऐसे जल्दी जल्दी पास किए जिसके कारण सरकार को अपनी ताकत के बारे में गलत अंदाजे हो गए। सरकार को लगता है कि जो हम कर दें एक बार वो पार हो जाता है, तो इसलिए किसानों के साथ भी सरकार ने इस तरीके से ये एक उनको परेशान करने का स्टेप उठाया है। मुझे लगता है कि किसानों ने जिस तरीके से, जिस हिम्मत से सरकार को रोक दिया है और अपनी बात को मनवाने के लिए किसान अड़िग हैं, ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा किसानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। हम सब जानते हैं कि किसान इस देश की ताकत है और इस देश का, जैसा ठाकुर साहब ने कहा, कि पहचान ही किसान से है। तो यदि किसान परेशान रहेगा तो ये देश भी शांत नहीं रह सकता। इसीलिए सब लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब लोग खड़े हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो कानून किसान चाहते हैं वापस लिए जाए वो लिया जाए। लोकतंत्र में सरकार का ये काम है कि किसानों से जिनके लिए कानून बनाना है उनसे बातचीत होना, उनकी तकलीफ क्या है उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो किसानों के ऊपर कानून थोपा जा रहा है और उनको ज़बरदस्ती डंडे के बल पर कहा जा रहा है कि इसको आप मानो। ऐसा डेमोक्रेटिक
एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर इस तरीके से नहीं होता। मैं समझता हूँ सरकार अपना ये जो गलत तरीके से उन्होंने ये चलाने का चाबुक चलाने की कोशिश की है, इसको सरकार समझे और किसानों की इस वेदना को समझ करके जल्दी से जल्दी किसानों को इस समस्या से बाहर लाएं और देश को शांति के उसमें ले जाएं। ये ऐसी हमारी सरकार से प्रार्थना है और हम ये चाहते हैं कि कोरोना के काल में भी जब सरकार चारों तरफ से संकट में थी तो इस देश का किसान ही था जिसने जीडीपी की 3% की विकास दर को बना करके देश के ताकत में अपना इजाफा दिया है। उसके साथ ऐसा व्यवहार हो ये कोई आज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इतना मुझे